हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, और आज की वीडियो का टाइटल है दुनिया में हिंदू संस्कृति का तेज देख पाकिस्तान सुन। अरे भाई, वो तो हर चीज़, कभी भी इंडिया का कोई प्रोग्रेस या कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती है तो दे गेट वेरी शॉक्ड, और हमेशा वो कंपेयर करते हैं कि हमारे हमसाए मुल्क को देख लीजिए, हमारे हमसाए मुल्क को देख लीजिए। अरे हमसाए होने से क्या मतलब है, और हमसाए कैसे है भाई, हम तो हर चीज़ में डिफरेंस है। पता नहीं हमसाए हमसाए क्या कहते हैं ना, हम एरिया वाइज सेम सेम है ना कुछ भी ना, हमारे लोगों की मैंटेलिटी सेम, नथिंग इज सेम। और कल्चर लोग कहते थे पुराना कल्चर सेम था, बट उस पर मिट्टी ही डाले जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है, इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हो, फिर वीडियो देखने के बाद बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो। की अगर मैं बात करूं तो वहां पे ना सिर्फ नॉन मुस्लिम्स बल्कि मुस्लिम्स ने भी अपने घर के अंदर लाइटिंग की, और उसको गैर मुस्लिमों और मुसलमानों ने साथ मिलके जो एक भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया। ये वहां पर जिस तरीके से इंडियन कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी को सपोर्ट दिया जा रहा है, ये बात कहना गलत नहीं होगी कि यूएई में एक छोटा हिंदुस्तान बसता है, और आने वाले सालों में यूएई को पूरा हिंदुस्तान भी बोला जा सकता है। पाकिस्तानी लोग भी, इसके अलावा मुस्लिम लोगों ने होली सेलिब्रेट क्यों किया है? अब दुश्मन के हाथ में खेल रहे हैं। आज पूरा इंडियन मीडिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस स्टैंड पे कि आप जो हैं वो मुल्क के इदारों के ऊपर इस तरह के सवालात उठा रहे हैं, आज पूरा इंडियन मीडिया पूरे जोश और खरोश से वो सारी चीजें दिखा रहा है, खुशी की लहर दौड़ी हुई है। आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया मतलब एक फ्लैट हो रही है इंडिया के आगे? तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, वी आर नो वेयर। ये रिजल्ट चाहती थी जो अभी हमें इंडियन मीडिया पे नजर आ रहा है, या रिजल्ट कुछ और तवक्को था और रिजल्ट कुछ और आ रहा है? आने वाले अरसे में दुबई पूरा ही हिंदुस्तान बनने वाला है। मैं जो है ना, इंडियंस अपने नेबर से सीखना चाहिए कि कैसे वो खुद को प्रमोट करें, अपने कल्चर को प्रमोट करें। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारतीय संस्कृति को दुनिया में लोग अपनाते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों में भारतीय संस्कृति का बोलबाला है। इस दिवाली को मुस्लिम देशों ने भी बड़े उत्साह के साथ मनाया, घरों में दीप माला की गई। हिंदू धर्म शांति और आस्था का प्रतीक है, अब मुस्लिम देशों में भारतीय संस्कृति का बोलबाला देख पाकिस्तान सकते में है, और ये चर्चा करा है कि अरब पाकिस्तान को बिल्कुल तरजीह नहीं दे रहे। इसके विपरीत भारत के साथ दिन ब दिन उनके रिश्ते गहराते चले जा रहे हैं। मुस्लिम देशों में हर शहर में मंदिर बन रहे हैं, पाकिस्तान को इस डेवलपमेंट से काफी दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इमरान खान का आजादी मार्च पाकिस्तानी आर्मी के गले की हड्डी बन चुका है। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इस आजादी मार्च में काफी नुकसान होने जा रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच नाज़रीन। अभी हालिया गुज़िश्ता दिनों में दिवाली को सेलिब्रेट किया गया, और पूरी दुनिया में उसको सेलिब्रेट किया गया, हर कंट्री में उसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया गया। यूएई की अगर मैं बात करूं तो वहां पे ना सिर्फ नॉन मुस्लिम्स बल्कि मुस्लिम्स ने भी अपने घर के अंदर लाइटिंग की, और उसको गैर मुस्लिमों और मुसलमानों ने साथ मिलके जो एक भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया। इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि दुबई यूएई जो है वो आधा हिंदुस्तान बन चुका है, और आने वाले वक्त में एक मुकम्मल हिंदुस्तान बनने जा रहा है। अभी रिसेंटली दिवाली गुजरी है, जिसे पूरी दुनिया के अंदर मतलब सेलिब्रेट किया गया है। यूएई में भी उसे बड़े भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया गया, इवन के जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी मतलब उसको डेकोर किया, लाइटिंग वगैरह की अपने उसके अंदर। तो पाकिस्तानी मीडिया ने इसके ऊपर ये पॉइंट उठाया कि अगर देखा जाए तो दुबई एक आधा हिंदुस्तान बन चुका है, और आने वाले वक्त में ये कहना ठीक होगा कि दुबई एक मुकम्मल स्थान होगा। किस तरीके से देखते हो आप? यार, हम जो है इसको एक दो इसके एस्पेक्ट्स हैं, एक से पॉजिटिव एस्पेक्ट है और एक से नेगेटिव एस्पेक्ट है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि हमें जो है ना, इंडियंस अपने नेबर से सीखना चाहिए कि कैसे वो खुद को प्रमोट करें, अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, और नेगेटिव सेंस पे लेना चाहिए कि जो हमारा कल्चर है उसको जो है ना, हम खुद डीमोटिवेट करते हैं। अब काफ़ी हमारे कुछ पाकिस्तानी लोग भी, इसके अलावा मुस्लिम लोगों ने होली सेलिब्रेट क्यों किया, क्या वो लोग जो हैं फास्टिंग, जब हमारा होली मतलब रमज़ान आते हैं, क्या वो लोग फास्ट करते हैं? हमारे लिए नहीं करते। जब हम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं, बच्चे तो ईद सेलिब्रेट करते हैं, नहीं करते। तो हम जो दिवाली वगैरह है ये हम क्यों कर रहे हैं? अगर हम चलें कर भी लेते हैं कि जी कल्चरल वो हो जाएगी, तो
उनको भी चाहिए ना कि वो भी ईद सेलिब्रेट करें। और इसमें हमारे लिए नेगेटिव बात यह है कि हम जो है ना अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हमें चाहिए कि हमारा जो मीडिया है वो हमको अच्छे से रिप्रेजेंट करें ताकि वो लोग बाकी लोग भी हमारे जो है ना इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहें। मेरी बात सुने, अब बात हमारे तक तो रही नहीं, बात अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो सारी उनके साथ मतलब स्टैंड भी ले रही हैं, उनके साथ सेलिब्रेट भी कर रही हैं। इवन के USA की अगर बात की जाए जो वर्ल्ड का भी सुपर पावर है, उनके मतलब जो इस टाइम प्रेजिडेंट हैं उन्होंने मतलब सेलिब्रेट किया है इसको, तो वाइट हाउस के अंदर सेलिब्रेशन हुई है। तो आपको नहीं लगता कि अब तो पूरी दुनिया का रुझान उनकी तरफ जा रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी वजह आपको जैसे कि बताइए यही है कि वो अपने आप को अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, वो अपने आप को एक ग्रोइंग जो है नेशन शो करके आगे आ रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। और जो हम अपने आप को बैकवर्ड दिखा रहे हैं, हम जो है अपने हमारे जो आपस के जो मसले हैं यही ख़त्म नहीं हो रहे। जब तो हमारे आपस के मसले नहीं ख़त्म होंगे, जब तो हम सेम पेज पर नहीं होंगे, हम इस तरह तरक्की नहीं कर सकते। हमारे जो पाकिस्तान का जो यार जो इमेज है ना वो अच्छी नहीं है दुनिया में, ग्लोबली अच्छी इमेज नहीं है पाकिस्तान की। हमारे जी एक जो है ना जो अच्छी अच्छी नेशन में हम लोग नहीं आते। जो अगर आप सारी लिस्ट वगैरह इसमें भी देखें तो पाकिस्तान के नाम है वो नीचे में आता है, और जो इंडिया है जो इसको कम्पेयर टू जो हमारा नेबर, इसको हम बहुत बुरा समझते हैं। वो इतने बुरे लोग नहीं हैं, वो लोग यूनिटी रखने में यकीन रखते हैं, वो साथ यूनिफाई करते हैं। और पाकिस्तानी जो लोग हैं जिसके पत्ता काटने हुए रहते हैं, ये कल्चर ख़त्म होने चाहिए पाकिस्तान में, तो हम आगे आ सकते हैं, हमारी इमेज को जो है ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकते हैं। वजह क्या है हमारी इतनी लेग पुलिंग क्यों है, हम लोग अपनों की टांगे क्यों इतना खींचते हैं, जबकि हमारी साथ की कंट्री है इंडिया, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है। आप मोस्टली मतलब टॉप पोजीशंस देख लें उन्हीं की है, मतलब अब आहिस्ता आहिस्ता आपको नहीं लग रहा कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर इंडिया रूल करने जा रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है, जो इंडिया है वो नेक्स्ट बिग थिंग होगी चाइना के बाद। इनफैक्ट चाइना की भी जो इकॉनमी को है ना कहते हैं इन द न्यू फ्यूचर इंडिया जो है ओवरकम कर लेगा और चाइना की इकॉनमी से भी आगे चला जाएगा। ठीक है, इसकी वजह ये है क्योंकि एक तो अगर हम कहें कि जी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर दिवाली भी मनाई जाती है। इस साल दुबई के शेखों ने बहुत अच्छे तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की है, ना सिर्फ दुबई की शेख बल्कि वहाँ पर जितनी भी पाकिस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने भी सेलिब्रेट की है, अपने घरों पर लाइटिंग्स भी की हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में ये कहा जा रहा है कि दुबई एक छोटा हिंदुस्तान है, आने वाले अरसे में दुबई पूरा ही हिंदुस्तान बनने वाला है। इसी हवाले से खबरदार करते हुए फैसल वावडा साहब पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि मशहूर ज़माना है, जो कि पाकिस्तान टेलीविजन पर भी चली थी, उसके अंदर क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिएगा। इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं, और वो जनाजे दिए जाएंगे मासूम पाकिस्तानियों को। किसी कुछ चंद लोगों की साजिश के तहत नहीं मरने दूंगा, अपनी आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा। तो ये सूरत हाल देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाता है कि मामला गड़बड़ की तरफ ही जा रहे हैं, किसी तरीके से बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। जमाने के अंदर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसी तरह की बात किया करती थी, जब लोगों को पिन पॉइंट करके नाम लिया करती थी, और उसके बाद कभी लंदन से कभी कहीं से इस तरह के जलसे हुआ करते थे और उस टाइम पर तनकीद का निशाना बनाया जाता था, तो उस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कहती थी कि आप दुश्मन के हाथ में खेल रहे हैं। आज पूरा इंडियन मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस स्टैंड पे कि आप जो है वो मुल्क के इदारों के ऊपर इस तरह सवालात उठा रहे हैं, आज पूरा इंडियन मीडिया पूरे जोश और खरोश से वो सारी चीजें दिखा रहा है, खुशी की लहर दौड़ी हुई है। क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये रिजल्ट चाहती थी जो अभी हमें इंडियन मीडिया पे नजर आ रहा है, या रिजल्ट कुछ और तवक्को था और रिजल्ट कुछ और आ रहा है? देखिए पहली बात तो ये है कि अदारों को कुछ दो चार इंच नीचे आके इंसानों की इंसान जिस तरह मतलब बाकी इंसान इस मुल्क के स्टेक होल्डर हैं सारे, एक वो वन मैन वन वोट, उसी तरह थोड़ा सा मतलब उनके करीब करीब तो आ जाए ना, इतना बिल्कुल अनटचेबल या आसमान पे बैठे हुए वो ना रहे। यहाँ पे हमने यहाँ पे सोचना है आइन और कानून के मुताबिक, हमने सोचना दलील के मुताबिक, एक्शन के मुताबिक। लिहाजा हमने ये नहीं सोचना कि अदारा कौन है और प्राइम मिनिस्टर कौन है और PTA का चेयरमैन कौन है। हेलो फ्रेंड्स, तो वीडियो हुई ख़त्म। वैसे तो इस बार का मैंने देखा भी था कि दिवाली सेलिब्रेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छा हुआ था, और मतलब इस बार लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब इंडिया में तो हर साल ही रहता है, और भाई कोरोना के बाद की दिवाली भी थोड़ी, इट वाज लाइक अ ग्रेट, सब लोगों ने पूरा सड़कों पे आए, स्ट्रीट्स पूरे सजे पड़े थे, इट वॉज ग्रेट। इंडिया को देख के पूरे वर्ल्ड में दुबई, UAE, डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज से लेके मुस्लिम कंट्री, यूरोपियन कंट्री, वॉट एवर द कंट्री भी, दिवाली सेलिब्रेशन वॉज अ ग्रेट इवेंट दिस ईयर किसी भी कंट्री में। और
और इंडिया में भी डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड लीडर्स ने अपने वे में इंडिया को मतलब विश किया, इंडियंस को विश किया और अपने अपने बताया कि लाइक दे ऑल्सो सेलिब्रेटेड, दे लव दिवाली। इवन आपको पता है व्हाइट हाउस में तो हर साल दिया जला के प्रॉपर नहीं, दे डिडंट नो, वो कैंडल्स नहीं जलाते, वो प्रॉपर दिए जलाते। तो वो मतलब कैंडल्स को ना जला के दिए जला के स्पेशली सिग्निफाई करते, दिवाली इज ऑल अबाउट दिया, तो दिया जला के सिग्निफाई करा, तो दैट इज़ गुड थिंग। इवन जो ऋषि सुनाक बने इन्होंने दिवाली रिसेप्शन पार्टी थ्रो की थी, जैसे इंडिया में बहुत पहले होता था वो जो नहीं होता था इफ्तार पार्टी वगैरह जो होती थी, तो उस तरह से एक दिवाली रिसेप्शन पार्टी थ्रो किया। तो पीपल को अपने कल्चर से जोड़ना, तो कल्चर से जोड़ के रखना, ऊपर से जो अयोध्या में जो दिवाली सेलिब्रेशन, इट वॉज ग्रेट, पूरी वर्ल्ड मीडिया ने उसको कवर किया। जब इस तरह की न्यूज़ होती, इस तरह की जब रोबस्ट सेलिब्रेशन होती है, तो जो वर्ल्ड मीडिया के न्यूज़ में तो लोग अट्रैक्टेड थे, इतना अच्छा। अब किसको लाइटिंग देखना पसंद, लाइटिंग, क्रैकर्स और फिर जो पूरे सब कुछ इतना अच्छा से चला, तो रंग बिरंगा, इट वॉज अ साइट टू सी, मतलब आंखों को तो सुकून मिल जाता उस तरह की साइट। तो किसको देख, जब पूरी मीडिया कवर करती, बड़े बड़े मीडिया कवर करती, CNN BBC वगैरह कवर करती, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में दिखाती, तो लोग भी अरे वाह ये तो बहुत अच्छा फेस्टिवल है। तो क्या होता है जब मुस्लिम या डिफरेंट रिलीजन्स के भी लोगों को लगता है अरे यार ठीक है ना, एक दिया तो जलाना है, लाइटिंग इज नेवर बैड ना, कोई भी रीजन ये नहीं कहा कि आप लाइट अंधेरे में रहो, लाइट करो, लाइट द हाउस, लाइट द कंट्री, लाइट योर सेल्फ एंड लाइट इन योर सेल्फ। सो यही सब चीज़ें, पाकिस्तान को तो हर बात पर सन सन, वो हमेशा सुन ही रहते हैं, उनको हर चीज़ में जलन होती है, उनका तो यही हाल है। बट आई विश कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और एक दिन हम जल्दी से जल्दी जल्दी चल हम जो कहते हैं ना वर्ल्ड पावर, वो हम बनेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इन केस इफ यू वॉन्ट मी टू रिएक्ट ऑन सम अदर वीडियोज़, यू कैन गिव द लिंक इन द कॉमेंट बॉक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।